हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो शुरू करें आज का सेशन। आज वैसे तो ये 7th डे होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे आज 6th डे ही रखा है ना। अरे थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट डाल देंगे, हो सकता है यार यहाँ से आपके 4 नंबर और मैं बेहतर पक्के कर पाऊँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा समय लिया है आपका। आज मैंने इसका प्लान कुछ ऐसे किया कि मैं इसे 7th डे ना करके मैंने इसे 6th डे का 2nd पार्ट बोलना चाहता हूँ, यानी डबल मेहनत। कुछ बातें छूट गई थी, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे और एलेबोरेट करके आपको देने थे, लेकिन वो मैं नहीं दे पाया। थोड़ा समय मेरे वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, वीडियो का लेंथ में ज़्यादा करना नहीं चाहता था। तो मैं कोशिश करूंगा कि यार इसे आज ब्रीफ करें, एंड देन 7th डे एंड देन 8th डे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये 6th डे का 2nd पार्ट है। और कहानी में कुछ बातें मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ, यानी मैंने प्रोजेक्टाइल का जो बेसिक आइडिया था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, एंड 2 डायमेंशनल मोशन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर। आज आपको याद होगा कि प्रीवियस अगर मैं डे की बात करूं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हमने की थी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन मैंने एट द एंड लीव कर दिए थे। मैंने कहा था कि यार चलो मैं आपको इसे होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि वीडियो का लेंथ लगातार ज्यादा होता चला जा रहा था, तो मैंने उसे एज अ होमवर्क दे दिया था। लेकिन एक काम करते हैं, आपने हो सकता है ट्राई किया हो, नहीं किया हो, लेकिन अगर नहीं किया है तो उसको एक बार देख जरूर लेते हैं, है ना। नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, मैं मुझे लगता है कि मैंने इसी क्वेश्चन पे एंड किया था, तो इसी क्वेश्चन से हम इसे स्टार्ट करते हैं। और नीट 2019 में क्वेश्चन आया। कैसा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी से ही कहीं ना कहीं प्रेरित है। मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की आपको जरूरत है नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री। तो आपके पास सिचुएशन क्या है? सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसी कि आपके पास 60 डिग्री इंक्लाइन प्लेन, और आपने उस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में एक शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, और ये ऑब्जेक्ट करते x1 डिस्टेंस तक जाता है। यानी कितना डिस्टेंस कवर करता है? x1 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। और यही सेम, यानी वेलोसिटी कितनी थी, माने थे कितनी वेलोसिटी से अपन थ्रो किया? u वेलोसिटी से थे। यही सेम सिचुएशन, बस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बदल चुका है। आप 30 डिग्री के प्रोजेक्शन देखते हैं और एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। इस केस में भी आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट किया था, है ना। आप एक बात नोटिस करें कि जब ऑब्जेक्ट ये ऊपर की तरफ ऐसा मूव कर रहा होगा, ये ऐसे मूव कर रहा होगा, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की तो कोई बात है नहीं। एक्सेलरेशन, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, ये एंगल 60 डिग्री, ये आपके पास g cos 60, ये आपके पास है g sin 60, यानी मोशन डी एक्सेलरेटेड टाइप देखने को मिल रही है, ठीक है। क्लियर। और टॉप ऑफ द पॉइंट पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। क्लियर। लिखा है क्या? ट्रेवल अलॉन्ग x1 अलॉन्ग द प्लेन, बट व्हेन द इंक्लाइनेशन इज डिक्रीज बाय टू 30 डिग्री एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी, इट कैन ट्रेवल x2 डिस्टेंस, यानी ये x2 डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हुए जाता है। अगर आप देखें कंपैरिजन, मैंने आपको बताया यहां पे डी एक्सेलरेशन कितने का है, और यहां पे डी एक्सेलरेशन आपको कितने का मिलेगा? जी सान 30 का डी एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। फाइनल वेलोसिटी किसकी कितनी है? 0। इसकी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, आपको पता है v² = u² प्लस ऑफ 2as लगा सकते हैं। v0 u² माइनस ऑफ 2a, a फॉर द g sin 60 इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर द x1, यानी u² = 2g sin 60 फॉर द √3/2x1। मेरे पास यहां से एक सिचुएशन ये मिल गई। इस सिचुएशन के लिए v² = u² प्लस 2s अगर लगाते हैं, 2s लगाते हैं तो v कितना है? 0। u कितना है? u²। दोनों के लिए u इक्वल रखा गया था -2g sin 30 into x2। यहां से u² की वैल्यू 2g sin 30 मींस 1/2 ऑफ x2 देखने को मिलती है। दोनों आपको पता है बराबर हैं, u इक्वल कर सकते हैं, तो 2g into 1/2 ऑफ x2 = 2g √3/2 इंटू x1। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, x1 अपॉन x2 प्लस x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे मिलता है 1/√3. दिस इज द आंसर. तो 1:√3 इज द राइट आंसर. x1 और x2 का रेशियो आपको ये मिलता है. वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन को समझना, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना, ये थोड़ा सा समर्थन में था, उसको फील करके आपको आगे बढ़ना. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए थे कल की डेट में, प्रैक्टिस में भी रखे. ठीक है, चलो. तो प्रोजेक्टाइल मोशन के एक बेसिक एनालिसिस के बाद मैंने यहां पर इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को नहीं सिखाया. मैंने बोला ना कि इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल अभी सीखने की जरूरत नहीं है. मुझे जब एक ऐसे कंपटीशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप लोगों की जब डिमांड आएगी कि सर टॉपिक को थोड़ा और स्ट्रेंथन लेके जाओ, तब डेफिनेटली मैं आप इसमें कुछ चीजें और एड ऑन करूंगा. वो एड ऑन टॉपिक इसके साथ एसोसिएटेड होकर मैं वीडियो में प्ले करूंगा. लेकिन अभी आप एक बेसिक सी थॉट डेवलप करने की कोशिश करें, ये थॉट. ठीक है ना. अब जो डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूं, जो कल रह गया था, जिसके बारे में कल मैं डिस्कस नहीं कर पाया, द टॉपिक इज रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अगर मोशन इन प्लेन को देखा जाए तो मोशन इन प्लेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है वेक्टर, दूसरा पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, और तीसरा टॉपिक है रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन. ठीक है, हर चैप्टर को मैंने 2 दिन देने के लिए कहा था, लेकिन ये 3 दिन के फॉर्म में जा रहा है, तो इस वजह से मैंने 6th डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो अपना 6th डे का 2nd पार्ट जो चैलेंज में है उसको हम एनालिसिस में लेते हैं. अब रिलेटिव मोशन का इंपॉर्टेंस मैं आपको सबसे पहले फील कराना चाहता हूं, है ना. अब रिलेटिव मोशन क्या है? अभी तक की मोशन को स्टडी में अगर लिया जाए तो अभी तक हम मोशन को में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन ही कंसीडर करते थे. क्या करते थे? ओरिजिन को कंसीडर करते थे और उसको रेस्ट पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम रेस्ट पे कंसीडर कर सकते थे. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे. ठीक है, अब सिचुएशन देखने को डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट चीजें देखने को मिल सकती हैं. कैसे देखने को मिल सकती हैं? जैसे मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है ए, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी. एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी. बी ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है और बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है. यानी द मोशन या फिर मोशन के जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल है ना, मोशन वेरिएबल ऑफ ए या मोशनल वेरिएबल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और बी विद रिस्पेक्ट टू ए आप कंबाइंडली से आप रिलेटिव मोशन कहते हैं. क्या कहते हैं आप इसे? रिलेटिव मोशन. यानी मैं वेरिएबल को स्टडी करने, जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी, है ना. ठीक है, अभी तक क्या होता था? अभी नो डाउट पहले भी हम रिलेटिव मोशन की ही बात कर रहे थे, लेकिन जो ऑब्जर्वर है हम उसको हमेशा किसमें कंसीडर कर रहे थे? रेस्ट. यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे. यहां पे आपके पास सिचुएशन डिफरेंट है. यहां पे जो ऑब्जर्वर है वो भी मोशन में हो सकता है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में हो सकता है. क्लियर? तो आपके पास ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टडी करना, उस कॉन्सेप्ट को आप क्या नाम दे देते हैं? दिस रिलेटिव मोशन. आप इसे क्या नाम दे देते हैं? रिलेटिव मोशन. ठीक है, आपके पास रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन भी हो सकती है, रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन भी हो सकती है, रिलेटिव मोशन 3 डायमेंशनल भी हो सकती है ना. लेकिन ऑब्जर्वेशन हमेशा ध्यान में रखना कि अगर 1 डायमेंशन की बात है, अगर 1 डायमेंशन की बात है तो आप कॉमन कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्स कोऑर्डिनेट या वाई वाई कोऑर्डिनेट या जेड जेड कोऑर्डिनेट को ही रिलेटिवली सॉल्व कर रहे होगे. यानी वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ एक्स, यानी एक ही डायमेंशंस में आप रिलेशन फाइंड आउट कर रहे होगे। यहां पे अगर आपने x x और y y बोथ जब दोनों कोऑर्डिनेट ऑब्जर्वेशन में लिए जाते हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के हो, चाहे वो वेलोसिटी के हो, चाहे वो एक्सेलरेशन के, और 3D में x का x के साथ कंपैरिजन, y का y के साथ कंपैरिजन और z का z के साथ कंपैरिजन, यानी रिलेटिवली उसे स्टडी में करना, दैट इज 3 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। क्लियर? अभी आपको समझ आ जाएगा कि 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन क्या होता है और 3 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन क्या होता है। सबसे पहले रिलेटिव मोशन होता क्या है, इस बात को फील करना। क्या होता है रिलेटिव मोशन? यानी एक मोशन के वेरिएबल्स दूसरे मोशन के, दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के वेरिएबल के बीच में जो रिलेटिवली सॉल्यूशंस हैं, वो अध्ययन करना, उसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। क्लियर? दैट कैन बी 1D, कैन बी 2D, कैन बी 3D। ठीक है, सबसे पहले अगर हम 1D की बात करें तो कुछ कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है। 1D रिलेटिव मोशन यानी ऑब्जेक्ट एंड observer should be on same axis, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो है वो हमेशा एक ही एक्सेस पे होने चाहिए। जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ऑब्जेक्ट A है, ये B है, इसकी वेलोसिटी VB है और इसकी वेलोसिटी VA है। ठीक है, तो दोनों x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का मोशन भी, यानी दोनों एक x एक्सिस पे ही मूव करते हुए जा रहे हैं। दैट कैन बी इन पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, वो कुछ भी हो। और आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, तो आप क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये फंडामेंटल फॉर्मूला। मैं पूछता वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, तो आप सिंपल लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। क्लियर? इस कंडीशन में दोनों पॉजिटिव हैं, दैट्स व्हाई आपने वो वैल्यू वैसी ही लेनी है। दूसरा केस, जो A है या B है, ए जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है और जो बी है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों एक ही एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ए की वैल्यू जो वो निगेटिव साइन के साथ, द आंसर इज माइनस वी ए माइनस वी बी। मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो आपने लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला, लेकिन वी ए जो है नेगेटिव साइन के साथ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके पास वी बी प्लस ऑफ वी ए हो जाएगा। ठीक है, यानी जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरी सिचुएशन ठीक है, ये इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ ए, ये ऑब्जेक्ट है, ये बी है, ये इधर की तरफ, इसकी वेलोसिटी है वीबी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी माइनस साइन के साथ, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, तो प्लस ऑफ वीबी वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, दैट इज वीबी माइनस ऑफ वीए। वीबी की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस ऑफ वीबी माइनस ऑफ वीए। तो आपको पता है कि 1 डायमेंशन रिलेटिव मोशन में आपके पास यही सिचुएशंस जनरली देखने को मिलती हैं। आप यहां पे वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को भी काउंटेबिलिटी में ले सकते हो, यानी द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी और वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। क्लियर? ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन, एक कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूं, सिचुएशन मेरे पास एक कार है ए, कार ए है और एक कार है बी, लेकिन दोनों एक ही एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, ए कार 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है शुरुआती वेलोसिटी, और इसकी ये है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये 5 मीटर पर सेकंड इनके बीच का जो गैप है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। इनके बीच का जो गैप है वो 100 मीटर है। ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मुझे बताओ क्या ए बी को कभी भी कैच कर पाएगी? कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये हर सेकंड 10 मीटर आगे चलेगा और ये हर सेकंड 5 मीटर ही चला जाएगा। तो इसका मतलब 5 मीटर का गैप तो हमेशा रहेगा ना। इसको एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पूछा गया टाइम टेकन बाय द कार ए टू कैच बी। ए कार को कितना टाइम लगेगा बी को कैच करने में। तो जब भी आपके पास इस टाइप की सिचुएशन, तो आपके पास ये वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन है। तो आपने क्या करना होता है, जिसको भी कैच करना है, जिसके रिस्पेक्ट में अध्ययन किया जा रहा है, उसको हमें रेस्ट पे बनाना है। उसको हमें किस पे बनाना है? रेस्ट पे। तो अगर आपको पता है रेस्ट बनाना है तो आप मुझे बताओ इसको रेस्ट बनाना है। पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये ए की वैल्यू बी के रिस्पेक्ट में, जैसे ही मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो बी, ये जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट का मतलब है कि मैं बी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में अध्ययन कर रहा हूं, जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं, वो रेस्ट पे कंसीडर कर लिया जाएगा। वीए की वैल्यू कितनी है? वीए की वैल्यू है 5 और ये है 10। तो आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में -5 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल। क्लियर? अगर बोला जाए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज माइनस ऑफ 0 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन। जब मैंने बी को किस पे, जिसके रिस्पेक्ट में अध्ययन किया जाए, उसको आप रेस्ट पे बनाते हैं। यानी जो रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले हैं ये वाले, उस फॉर्मूले से वो रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो वो कितनी देर में इसको कैच कर लेगा। ये तो रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है माइनस, इसका एक्सेलरेशन कितना है इतना। कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 100 मीटर। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। एस कितना है? 100 मीटर। यू कितना है? -5। टाइम कैलकुलेट करना है। हाफ ए की वैल्यू है 1t स्क्वायर। मेरे पास कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू -5t प्लस ऑफ t स्क्वायर बाई 2। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है। एक बार पहली बात तो एलसीएम ले लो, तो ये आपके पास 200 इज इक्वल टू -10t प्लस ऑफ t स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट बना t स्क्वायर -10t माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो टाइम की वैल्यू -b प्लस माइनस ऑफ अंडररूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला यूज करके यहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में आएंगे। एनसीईआरटी के अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां पे थीव, पुलिस वैन, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं कि उसको कितनी देर में कैच कर लेगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप अध्ययन कर रहे होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे होते हो, उसको अपने रेस्ट पे कंसीडर करना होता है, रेस्ट पे बनाना होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो जिसके रिस्पेक्ट में हैं उसको आप रेस्ट पे मान लेते हैं, वो रेस्ट पे कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो ये है 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। उसके बाद और भी सिचुएशन 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन की। क्या? 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन फॉर्मूले फंडामेंटली वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। क्लियर? बस डायरेक्शंस और काउंटेबिलिटी में आ जाती है। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक्स वाई अगर प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन, तो ये पॉजिटिव आई कैप, ये नेगेटिव आई कैप, ये पॉजिटिव जे कैप और ये नेगेटिव जे कैप। इसका मतलब मुझे प्लेन में आके स्टडी करना पड़ेगा। प्लेन में स्टडी है। अभी तक ऑन एक्सिस रिलेटिवली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अब सॉल्यूशन चेंज हो चुका है, अब आपके पास सिचुएशन कुछ और है। ठीक है, मान लेते एक ए है जो इधर की तरफ वीए वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक पार्टिकल बी है जो इधर की तरफ वीबी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पूछा जाए वीए ऑफ बी क्या होगा, तो VA ऑफ I cap minus VB of J cap. This is the velocity of A with respect to B. पूछा जाए velocity of B with respect to A क्या होगा, तो आप लिखेंगे velocity of B minus velocity of A, velocity of B that is VJ cap minus VI cap. ये आपके पास इस टाइप से सॉल्यूशन है. क्लियर? डन. तो डायरेक्शंस को बस इन्वॉल्व कर लेना होता है. फंडामेंटल जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले वही होंगे. क्लियर है? डन. क्लियर. और भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि जैसे एक कार है जो इधर की तरफ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और एक कार इधर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये एंगल फॉर्म कर रही है 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. दिस इज द ए कार एंड दिस इज द बी कार. पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो आपके पास फॉर्मूले तो वही है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. बट अगर वीए की बात की जाए, वीए की बात की जाए, उसका एक कंपोनेंट ये, यानी 5 cos 30 ऑफ आई कैप 5 sin 30 ऑफ जे कैप, यानी वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 cos 30 मीन्स √3/2 ऑफ आई कैप प्लस 5 1 वर्ड, यानी आपके पास आ जाएगा 5 √3/2 ऑफ आई कैप प्लस 5/2 ऑफ जे कैप. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए. वेलोसिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना हो, अब बी का एक कंपोनेंट यहां पर, तो कितना आएगा 10 cos 60 ऑफ आई कैप एंड दिस इज 10 sin 60 ऑफ जे कैप. बस वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 cos 60 मीन्स 1/2 ऑफ आई कैप प्लस 10 sin 60 मतलब √3/2 ऑफ जे कैप. द आंसर इज 5i कैप प्लस 5 √3 ऑफ जे कैप. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी. एंड नाउ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, नाउ द रिजल्ट इज 5/2 √3 माइनस ऑफ 5 ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 5/2 माइनस ऑफ 5 √2 ऑफ जे कैप. दिस इज द रिलेटिव कंपोनेंट, है ना. बट बस केवल इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्शन को और इन्वॉल्व कर लेना है. फॉर्मूले फंडामेंटली वही है, फॉर्मूलों में कोई बदलाव नहीं, फॉर्मूले कुछ भी चेंज नहीं हो रहे, बस प्लेन में स्टडी करने लग रहे हैं. अभी तक ऑन एक्सिस स्टडी कर रहे थे, ऑन एक्सिस स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हम प्लेन में जाके स्टडी कर रहे हैं. दैट कैन बी 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, वो प्लेन कुछ भी हो सकता है, वो प्लेनर सिचुएशन आपको कुछ भी देखने को मिल सकती है. समझे? क्लियर है? तो ये चीजें अब प्लेन में जाके स्टडी करना है, वो चीजें आपने फील करनी पड़ेंगी, आपने एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी. तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल के तहत हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे आपको देखने को मिलता है रेन मैन प्रॉब्लम. कौन सा? रेन मैन प्रॉब्लम. रेन मैन प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है. और रिवर बोटमैन प्रॉब्लम, बोटमैन प्रॉब्लम ये एक सिचुएशन आपको देखने को मिलती है. असल रिवर बोटमैन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसको मैं 2 डायमेंशन या फिर प्लेन में जाके स्टडी कर रहा हूं. ठीक है? तो ये रिलेटिव मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिन टर्म्स में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है. दैट्स वाई वैसे तो सिचुएशन तो बहुत सारी हैं, जैसे विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, है ना. कई सारी सिचुएशन है, बट मैंने बोला ना कि हमें कुछ लिमिटेड सिचुएशन को रिकॉल करना है, क्योंकि आपको पता है इन्हीं के ब्याप पे क्वेश्चंस बनके तैयार हो जाते हैं. और एक्चुअली फॉर्मेटिंग तो वही है ना, फंडामेंटल फॉर्मेटिंग तो यही है ना, सिचुएशन तो यही है ना. क्लियर? अब जैसे रेन मैन प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करना. देखो ध्यान से, देखो बारिश कैसे होती है. बारिश ऐसे होती है, बारिश ऐसे होती है. मैन इधर जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन. बोथ आर नॉट ऑन सेम एक्सिस, बोथ आर ऑन द डिफरेंट एक्सिस. एक्चुअली अगर मैन की बात की जाए तो वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. अगर मैं इसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ के रिस्पेक्ट में देखूं तो तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। वैसे ऐसा नहीं होता, ये प्लेन है, बारिश कभी नॉर्थ साइड से नहीं होती है ना। प्लेन ये है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो बारिश यूं होगी इस प्लेन पे, ठीक है। तो आप ऐसा ना मान के ऐसा ही मानो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। अब बोला जाए कि यार क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि छतरी यानी अम्ब्रेला, है ना, जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की पोजीशन क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। यानी ये एक बेसिक सी बात आपसे पूछी जाए कि अम्ब्रेला किस पोजीशन पे होना चाहिए अगर इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर पूछूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन क्या है, तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन, है या ना। अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, दैट इज वी एम ऑफ आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, वी आर ऑफ जे कैप बट जे इन नेगेटिव साइन, दैट्स व्हाई द आंसर इज दिस वी एम आई कैप प्लस वी आर जे कैप। क्लियर है। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। भाई जो मैन एक्सपीरियंस करेगा बात तो उसकी की जानी चाहिए। अब ऐसा थोड़े ना कि रेन जो एक्सपीरियंस करेगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, माइनस ऑफ वी आर जे कैप एंड माइनस ऑफ वी एम ऑफ आई कैप। यानी मनुष्य को, यानी आदमी को बारिश कहां पे, किस प्लेन में आती हुई दिखाई देगी। अब देखो नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव, यानी इसका मतलब आप मुझे बताओ क्या बारिश इधर की तरफ दिखाई देगी, एक्सपीरियंस होगी, बारिश की इधर की तरफ एक्सपीरियंस होगी, इधर की तरफ ऐसे ऐसे, तभी तो वो नेगेटिव कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव जेड। तो बारिश आपको ये एक्सपीरियंस होगी, मतलब अगर मैं ऐसे जा रहा हूं बारिश सीधे और वर्टिकली, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस इस टाइप से होगी, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन क्या एक्सपीरियंस करता है, मैन की रिस्पेक्ट। अब ये वाला सिचुएशन नहीं, अब वेलोसिटी ऑफ रेन इज दिस, आपको पता है इसके दो कंपोनेंट आपके पास, ये कौन सा है, ये है वी आर और ये क्या है, वी एम, ठीक है, क्लियर है। तो छतरी को, यानी बारिश इधर की तरफ हो रही, तो भैया छतरी भी कैसी लगानी पड़ेगी आपको, छतरी भी तो ऐसी लगानी पड़ेगी। कितने एंगल पे, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है tan थीटा sin थीटा, उसके रिस्पेक्ट में आप आंसर देना चाहते हो, तो आप देख पा रहे हो ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर आपको पता है यहां पे ऐसे कंपोनेंट कर लिया जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज वी एम अपॉन बेस दैट इज वी आर, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। एक बात आपको बड़ी ध्यान में रखनी है कि जब भी टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन की बात आएगी तब तो जनरली आपको एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता, एक्सेलरेशन की सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। तो यार ये एक बेसिक सी बात है कि छतरी डायरेक्शन में किया जाए जिससे ये, है ना। अगर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सॉल्व किया जाए तो वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस ऑफ वी एम का स्क्वायर, यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व ऐसे कर लेंगे। तो रेनमैन प्रॉब्लम में बेसिक सी बात आपसे ये पूछी जाती है, कई बार ये सिचुएशन पूछी गई है, कई बार डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस बन के आए हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवर बोट प्रॉब्लम, क्या रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट। अब रिवर बोट प्रॉब्लम, मैंने बोला ना कि जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। आइडियाज बहुत मुश्किल नहीं है, थ्योरी फिजिक्स की कभी मुश्किल नहीं है, लेकिन सिचुएशन मुश्किल है कि किस सिचुएशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। इस वजह से सिचुएशन पे जाके स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब रिवर बोट, आपको पता है रिवर कुछ ऐसा, रिवर की विड्थ चौड़ाई W, रिवर की वेलोसिटी VR, और एक बोटमैन को रिवर को क्रॉस करना है, बोटमैन रिवर को क्रॉस करना चाहता है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज VR और बोटमैन क्रॉस करना चाहता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, और वो अपने आप को इधर की तरफ लॉन्च करता है ऐसे। लेकिन होता क्या, देखने को क्या मिलता है कि वो अपने आप को रो किधर की तरफ कर रहा है, he is rowing towards end of the shore, next end of the shore। यानी अगर ये A किनारा है और ये B किनारा है, this is B shore, this is A shore, B shore, तो आपको पता है he is rowing towards B, यानी वो अपने आप को इधर की तरफ रो कर रहा है। लेकिन बार बार सिचुएशन क्या मिल रही है, मतलब वो अपने आप को रो किधर की तरफ कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ रिवर उसे इधर की तरफ धकेल रहा है। ही इज रोइंग टुवर्ड्स दिस, ही इज रोइंग टुवर्ड्स दिस बट VR, ही इज रोइंग टुवर्ड्स दिस VR। आपको पता है कि इसका मतलब जो रिवर की वेलोसिटी है वो उसे इधर की तरफ धकेल रही है ना, क्लियर? मतलब रिवर की वेलोसिटी उसे इधर की तरफ धकेल रही है, लेकिन वो अपनी रोइंग वेलोसिटी से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नदी क्रॉस किस वेलोसिटी से की, किस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से हुआ, वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से हुआ, कंपोनेंट की वजह से हुआ, की वजह से हुआ, यानी नदी क्रॉस किस कंपोनेंट की वजह से हुआ, तो सिंपल सी बात है VB, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन की वजह से रिवर क्रॉस हुआ, ठीक है। और आपको पता है कि नदी के बहाव ने उसे नदी के फ्लो की दिशा में धकेला, नदी के फ्लो की दिशा में धकेला, की दिशा में धकेला। प्लीज आप इस बात को नोटिस करना कि इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, लाइक उसे निकलना था यहां पे और वो निकला जाके यहां पे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है W, ठीक है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मतलब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगा। तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी VB, यानी आपने उसको इतने टाइम में उसने अपने आप को नदी क्रॉस कर लिया, ठीक है, ठीक है। आपको पता है ये जो यहां से, यानी वो पहुंचना चाहता था यहां पे और वो पहुंच गया यहां पर, ठीक है, वो यहां पहुंचना चाहता, पहुंच कहां गया, यहां पर पहुंच गया। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, x को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट, ड्यू टू नदी का बहाव, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है VR, टाइम कितना है W अपॉन VB, तो VR अपॉन VB ऑफ W, दिस इज द ड्रिफ्ट, यस, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, वो इतना हॉरिजॉन्टली ड्रिफ्ट हो गया है ना। तो यार आपने ये बिल्कुल फील करा के रखना है अपने आप को कि एग्जैक्टली कहां पे किसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा अकल आई, किसको अकल आई, जो बोटमैन है उसको थोड़ी सी अकल आई, और अकल आने पे क्या हुआ, उसने अपने आप को थोड़ा सा कुछ अलग डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो किया। मतलब अब रिवर उसे इस एंड पे निकलना था, तो उसने अपने हेड को इधर की तरफ नहीं रखा, उसने अपने आप को लॉन्च किधर की तरफ किया, इधर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से VB वेलोसिटी से इधर की तरफ थ्रो किया उसने, क्लियर? कितना एंगल, थीटा डिग्री एंगल पे उसने अपने आप को थ्रो कर दिया, क्लियर है ना? अब वीबी का एक कंपोनेंट किधर की तरफ, इधर की तरफ, दैट इज एक कंपोनेंट किधर की तरफ, इधर की, दैट इज वीबी कॉस थीटा और इधर की तरफ वीबी साइन थीटा। और रिवर की वेलोसिटी वी आर इधर की तरफ, ठीक है। तो आपको पता है कि वो कुछ ऐसे मूव करते 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 यहां पे निकलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नदी की जो विड्थ है वो W है ना, टाइम टेकन टू क्रॉस द, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर टाइम। अब टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है W, और वेलोसिटी के किस कंपोनेंट की वजह से नदी क्रॉस की, दैट इज वीबी कॉस थीटा। वीबी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से नदी क्रॉस हुई है, क्लियर। वीबी कॉस थीटा की वजह से वो नदी क्रॉस हुई है। और आपको पता है कि जितना वीबी साइन थीटा कंपोनेंट उसे इधर की तरफ ले जा लेके आ जाता, वी आर इधर की तरफ धकेल रहा था, ठीक है। तो फॉर द मिनिमम डिफरेंट, यानी वो यहां पे पहुंचे, वो यहां पर पहुंचे, इसका मतलब यहां पे पहुंचने के लिए जो वी आर है, वी आर वो वी बी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए फॉर द मिनिमम ड्रिफ्ट। यानी अगर उसे उस एंड पे निकलना है, किस एंड पे, दूसरे शोर पर निकलना है, दूसरे शोर पे निकलना है, तो आपको पता है कि मेरे पास ये सिचुएशन देखने को मिलनी चाहिए। किस एंगल पे उसने आपको थ्रो किया, किस एंगल पे उसे अपने आप को थ्रो करना चाहिए। तो आपके पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट, ये वीबी है, ये आपके पास वीआर है, ये कितना है, वीआर है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज वीआर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज वीबी। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी, यानी उसे इस एंगल पे अपने आप को क्या करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए फॉर द मिनिमम डिफरेंस, अगर उस एंड पे निकलना है। तो आपने यार ये समझना पड़ेगा कि यार सिचुएशन कोई मुश्किल नहीं है, सिचुएशन वही बेसिक सी एनालिसिस है, बस इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, यानी वेक्टर का एक बहुत समझदारी भरा ज्ञान। वेक्टर का जितना समझदारी भरा ज्ञान होगा, रिलेटिव मोशन को प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगनी है। तो ये है एक और कॉन्सेप्ट जिसको मैंने 6th, यानी वैसे 7th डे पे चला जाता, लेकिन मैं चैप्टर में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, मैंने इस टॉपिक को ऐसे कुछ ब्रेक कर लिया। तो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वैसे रिलेटिव मोशन के भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन आज रिलेटिव मोशन को क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। कुछ 2 डायमेंशन मोशन के, यानी मोशन प्लेन के क्वेश्चन अवेलेबल है, तो वो पहले कर लेते हैं। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एन टाइम, एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास ये है। Where x and y are the meters, t in second, the acceleration of the particle, अरे भाई displacement को एक बार, यानी velocity in x direction, that is dx by dt, तो एक बार differentiate कर दो, 5 minus of 4t, acceleration in x direction, तो d by dt of vx, एक बार और differentiate कर दो, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। वहीं पे मैं y direction की बात करता हूँ, एक बार differentiate velocity in y direction, that is dy by dt, डिफरेंशिएट करोगे 10 आएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दैट डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, द आंसर इज 0, यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज दिस, ठीक है। द एक्सेलरेशन द पार्टिकल एट 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, इतना, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, इतना। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, सी इज द राइट आंसर, सी करेक्ट आंसर, ठीक। मैंने हमेशा बताया कि चाहे प्लेन की मोशन हो, चाहे वो 2D हो या चाहे वो 3D हो, आप x एक्सेस के कंपोनेंट्स को अलग सॉल्व कर लेते हो, y एक्सेस के कंपोनेंट्स को अलग सॉल्व कर लेते हो, बस इतनी सी बात है। दोनों में कॉमन क्या होता है, टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चाहिए देखने को मिलता है, ए शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड, ठीक है, AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड, एक शिप इधर की तरफ मूव कर रहा है with a 10 km/h, 10 km/h, and ship B is moving, south of A, है ना, and a ship B 100 km south of A is moving northward, मतलब वो south of A पे, है ना, ए का जो साउथ है वो ये आपके पास ये है और कितनी दूर है 100 किलोमीटर पे है और किधर की तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दैम बिकम्स शॉर्टेस्ट। आपको पता है ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है क्लियर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो अगर ये x डिस्टेंस चलेगा कितना x डिस्टेंस चलेगा x डिस्टेंस तो ये भी x डिस्टेंस चलेगा और अगर x डिस्टेंस चलेगा तो ये बचेगा कितना 100 माइनस ऑफ x। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये दिस इज वाई अगर ये x डिस्टेंस चलेगा तो ये भी x डिस्टेंस चलेगा ये x डिस्टेंस तो ये भी ये कितना बचेगा 100 माइनस ऑफ x ये x तो आपके पास वाई स्क्वायर पीजीटी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये आपके पास आ गया है ना। मुझे y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए सॉरी मिनिमम चाहिए तो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए आप क्या करते हो आप उसे डिफरेंशिएट कर दो मैक्सिमा मिनिमा से डिफरेंशिएट तो आपके पास कितना आ जाएगा अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 2y dy by dt dx is equal to d by dx of x square plus d by dx of 100 minus of x का होल स्क्वायर क्लियर। आप उसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास क्या मिलेगा 2y dy by dx या फिर मैं यार dy by dx को ही 0 के बराबर रखता हूँ डायरेक्ट है ये छोड़ो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 100 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर की पावर 1/2 मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था dy by dx इज इक्वल टू पावर आगे आ जाती है और पावर में यानी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 100 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर की पावर -1/2 पावर में एक की कमी यानी 1/2 माइनस ऑफ 1 इंटू चेन रूल क्या कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 200 माइनस ऑफ x इंटू माइनस ऑफ 1 मैंने इसको भी चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है क्या किया पावर आगे आ गई पावर में एक की कमी यानी -1/2 फिर इसको अंदर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 100 माइनस ऑफ x का 200 माइनस ऑफ x और 100 माइनस x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है क्लियर है ये मेरे पास रिजल्ट आ गया और ये किसके बराबर कर दूं मैं 0 के बराबर कर दूं ये मैं 0 के बराबर कर देता हूं तो मेरे पास क्या 0 हो जाएगा मतलब मेरे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 100 का होल स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2x प्लस ऑफ 2 इंटू 100 माइनस ऑफ x इंटू -1 को मैं 0 के बराबर रख देता हूं। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं ये पूरा पार्ट 0 तो 2x प्लस 200 माइनस 2x माइनस ऑफ 1 इस माइनस ऑफ 1 के अंदर मल्टीप्लाई तो 2x माइनस 200 प्लस ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू 200 तो x इज इक्वल टू 200/4 यानी 50 x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अगर x की वैल्यू 50 आ गई तो x की वैल्यू 50 पे ये मिनिमा या मैक्सिमा शो करेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडरवुड ऑफ x स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर 50 बाहर आ गया 50√2 तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा that's 50√2 यानी ये जो डिस्टेंस होगी है ना और ऐसा करने में टाइम कितना लगेगा टाइम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 50√2 है ना x की वैल्यू कितनी आई थी x की वैल्यू 50 आई थी ना x की वैल्यू 50, 50 को कवर करने में टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस 50 अपॉन कितना 10, तो 5 घंटे। 5 घंटे में वो शॉर्टेस्ट गैप पे होंगे। मैंने बोला इस गैप को सबसे छोटा बना देते हैं, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया और मुझे x की वो पर्टिकुलर वैल्यू यानी x की वो पर्टिकुलर वैल्यू मिली जहां पे मुझे सबसे कम गैप इनके बीच में देखने को मिला। और वो गैप कितनी देर में कवर कर लिया होगा उन्होंने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 50 किलोमीटर का रास्ता तय करने में उसे इतना समय लगा होगा। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डन। और भी क्वेश्चन हैं आपके पास? लिखा द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजिशन वेक्टर, एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर ये दी दी है, वेयर आर इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड एंड आई एंड जे डिनोट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन? ठीक है, अब आपके पास पोजीशन वेक्टर, पोजीशन आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t ऑफ आई कैप प्लस 4 cos 2 pi t ऑफ जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो मैं आपको थोड़ा सा केस बता देता हूं। ये पोजीशन वेक्टर आपको पता है कैसी देखने को मिलेगी, बता देता हूं। अगर आप देखें एक पर्टिकुलर टाइम पे ये पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसी दिखाई देगी, जब एंगल कितना बन रहा होगा 2 pi t। इसका एक कंपोनेंट cos 2 pi t या फिर ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये वेक्टर है, ये एंगल कितना बन रहा होगा दैट इज 2 pi t। इसका एक कंपोनेंट cos 2 pi t और एक sin 2 pi t। और आपको पता है जैसे जैसे ये, तो इसका मतलब ये फेजर टाइप ड्रॉ हो रहा होगा, फेजर इस टाइप से, लाइक दिस, इस टाइप से आपको एक फेजर दिखाई दे रहा होगा। सर्कुलर मोशन, बेसिकली पार्टिकल आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। और सर्कुलर मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट का दो आर वेक्टर होता है, वो आप एक बार डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करके भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, तो dx upon dt आपने किया, तो 4 साइन का cos 2 pi t इंटू 2 pi ऑफ i कैप प्लस 4 cos का माइनस ऑफ साइन 2 pi t ऑफ j कैप इंटू 2 pi। तो आपके पास 8 पाई बाहर आ गया, अंदर बचा cos 2 pi t ऑफ आई कैप प्लस माइनस sin 2 pi t ऑफ जे कैप माइनस। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता है, तो 8 पाई तो बाहर है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, cos का माइनस ऑफ sin 2 pi t इंटू 2 pi ऑफ आई कैप प्लस cos 2 pi t into 2 pi of j cap बाहर आ गया, that is 16 pi square। अंदर बचेगा sin 2 pi t of i cap minus cos 2 pi t of j cap। यानी जो प्लस साइन के साथ था, वो माइनस, यानी पूरा ये माइनस टर्म के साथ चला गया, माइनस। यानी आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर अपोजिट, एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v square upon r, where v is the velocity of the particle, magnitude of the part velocity of this 8 meter per second, path of the particle is circle of the radius 4 centimeter। which of the following statement is wrong? तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस ऑफ r, बिल्कुल ठीक बात। पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो v square upon r, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स v square upon r। तो यहां पे मेरे पास ये वाला जो आंसर है वो रॉन्ग डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, एक बेसिक सी एनालिसिस पे था, कोई बहुत मुश्किल थॉट नहीं थे, है ना, लेकिन आपकी अप्रोच क्लियर होगी तभी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। डन है, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि एक बेसिक सा थॉट आप मोशन एंड प्लेन को लेके, यानी मैंने 3 वीडियोस मोशन एंड प्लेन को लेके बनाए हैं, लेकिन ये तीनों भी वीडियोस आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको स्ट्रेंथन कर सकते हैं और आपके 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। 4 नंबर आपने वो मेहनत अपने लेकर के देनी है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अधिक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच।